बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में हिंदी विषय में वसंत एक बुक से बचपन भाग 2, कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में द स्क्विरल भाग 2 व कक्षा 8 में गणित विषय में परिमेय संख्याएं भाग 3 व प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पार्ट 2 बचपन, जो कि संस्मरण विधा में लेखिका कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है, पढ़ रहे हैं। और आज आप मेरे साथ इस पाठ का भाग 2 पढ़ रहे हैं। भाग फर्स्ट आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने लेखिका की पोशाकें, लेखिका के चनाचूर गरम, लेखिका के शिमला के फल, इन सब बातों के बारे में पढ़ा। चलते हैं अपने भाग 2 की तरफ, देखते हैं क्या है। लेखिका और शिमला की यादें। बच्चों, लेखिका आपको शिमला लेकर चल ही रही है, आप उनके संस्मरण में शिमला की सैर कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे लेखिका की शिमला की कौन कौन सी यादें हैं। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर यानी कमज़ोर, उन्हें अच्छे नहीं लगते थे वहाँ के घोड़े, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हुष्ट पुष्ट और खूबसूरत। बच्चों, लेखिका के ननिहाल यानी नानी जी के यहाँ भी घोड़े पाए जाते थे, और जो घोड़े वहाँ पाए जाते थे वह उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वह बहुत हुष्ट पुष्ट यानी बहुत ही तंदुरुस्त थे, और खूबसूरत यानी दिखने में भी अच्छे थे। उन घोड़ों के आगे उन्हें शिमला के घोड़े कमतर लगते थे, कमतर यानी बहुत ही कमज़ोर लगा करते थे, अच्छे नहीं लगा करते थे, और शिमला के घोड़ों का तो वह मजाक बनाया करते थे। उनकी बात फिर कभी, लेखिका अपनी नानी जी के घोड़ों की बात कर रही है, लेकिन कह रही है उनकी बात हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि अभी तो हम शिमला की बात कर रहे हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। बच्चों, यह जाखू का पहाड़ क्या है? जाखू का पहाड़ शिमला का एक प्रसिद्ध पहाड़ है, जिस पर कि हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। गूंज गूंज यानी शोर। लगता इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। मुखड़े गहराना यानी अंधेरा होना, और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी, यानी जैसे ही अंधेरा होने लगा वैसे लाइटें जल उठी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक की भी क्या कहने, यानी जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे ही शिमला बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि अंधेरा होता है तो लाइटें जलने लगती है, लाइट जलने के साथ ही रिज पर रौनक बढ़ जाती है और मॉल रोड पर बहुत ही चमक आ जाती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल यानी शोर, और जो स्कैंडल पॉइंट है वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है तो वहाँ पर शोर उत्पन्न हो जाता है, वह शोर बहुत अच्छा लगता है। सर्वर, बच्चों देखो यह नाम वापस आया है। क्या इस नाम के लिए लेखिका ने कोई संबोधन यूज़ किया है? नहीं किया है। देखते हैं आगे। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ है। लेखिका हमें एक विशेष बात बता रही है, एक ऐसी दुकान के बारे में बता रही है जिससे वो बहुत प्रभावित थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खम्बा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, यानी लेखिका ने हमें जिस ट्रेन के बारे में बताया है वह पिछली सदी की सबसे तेज़ रफ्तार वाली ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। देखो, लेखिका हमें यह बता रही है कि उन्हें हवाई जहाज कभी कभी देखने को मिलते थे। कभी कभी क्यों देखने को मिलते थे?
बच्चों, लेखिका का जन्म 1925 में हुआ था और आप जो शिमला पढ़ रहे हैं, जिस शिमला के बारे में लेखिका बात कर रही है, वह 1935 से 40 के आसपास का शिमला है, यानी लेखिका के बचपन का। उस समय बहुत अधिक हवाई जहाज़ नहीं हुआ करते थे, इसलिए बहुत ही कम देखने को मिला करते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। जब लेखिका दिल्ली में रहती और दिल्ली में उनके घर की छत के ऊपर से हवाई जहाज़ निकलता, तब बच्चे उन्हें देखने के लिए घर से बाहर दौड़ा करते थे। देखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। और जब वो बच्चे बाहर आते, तब उन्हें क्या दिखता कि एक भारी भरकम पक्षी कुछ इस तरह का अपने पंख फैलाकर उड़ा जा रहा है, और जैसे ही वो उसको देखने पहुंचते, वह गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती, हेलीकॉप्टर तो बहुत तेज़ी स्पीड से चलता है, तो जैसे ही वो बच्चे बाहर पहुंचते, वह गायब हो जाता। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, यानी लेखिका हमें एक और विशेष बात बताने वाली हैं। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। बच्चों, अब लेखिका हमें उस दुकान के बारे में बता रही हैं जिसमें उनका पहला चश्मा बना था। मैं आपको चश्मे से एक बात बताती हूँ, लेखिका को चश्मा लगाना बहुत ही अधिक पसंद है। अगर आप उनकी फ़ोटो देखेंगे तो हर फोटो में उन्हें आप चश्मा लगाते हुए ही पाएंगे। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। लेखिका और उनका चश्मा, बच्चों आप लोग यह तो जानते ही हो, लेखिका को चश्मा लगाना बहुत अधिक पसंद है। तो अब हम देखेंगे लेखिका और उनके चश्मे के बारे में, कि लेखिका अपने चश्मे के बारे में क्या बताती हैं, उनके अनुभव क्या कहते हैं। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। यानी जब कभी भी कोई, लेखिका छोटी सी बच्ची थी, जब कभी भी उन्हें कोई चश्मा लगाते हुए देखता तो उनसे पूछता, आँखों में कोई तकलीफ़ है, दूध पिया करो इस उम्र में चश्मा, तो मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। तो लेखिका क्या करती थी, जो उन्हें डॉक्टर साहब ने कहा था वह ऐसे ही कह दिया करती थी। डॉक्टर साहब ने देखो क्या कहा था, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था, कुछ देर अगर चश्मा पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, ऐनक यानी चश्मा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, आश्वासन यानी पूरा भरोसा दिलवाया था। क्या भरोसा दिलवाया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। यानी डॉक्टर साहब ने यह भरोसा दिलवाया था कि कुछ दिन, कुछ देर अगर आप चश्मा पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा, लेकिन लेखिका कह रही है वह तो आज तक भी नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। लेखिका कहती है, अगर मेरा चश्मा नहीं उतरा इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका यह बता रही है कि उनका जो चश्मा नहीं उतरा उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि वह दिन की रोशनी में तो काम करती नहीं थी, वो रात को टेबल लैंप की रोशनी के सामने काम किया करती थी, जिससे कि आँखों पर जोर पड़ता था और लेखिका का चश्मा कभी नहीं उतरा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। चचेरे भाई यानी चाचा के बेटे ने, देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी, खीजी यानी मैं बुरी तरह से चिढ़ गई। क्यों चिढ़ी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। वह लेखिका इसलिए चिढ़ गई कि ये लोग मुझ पर इस तरह का शेर क्यों बना रहे हैं। लेकिन जब बाद में लेखिका बड़ी हुई तब उन्हें ये शेर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में आईने के सामने, आईना, आईना यानी कांच या दर्पण के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी, देखती रही
देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी लेखिका हमें जो यह बात बता रही है वह तब की बात है जब लेखिका ने शुरू शुरू में चश्मा लगाया था। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। लेखिका हमें यह बता रही है कि अब तो चश्मा मेरे चेहरे के साथ इतना अधिक घुल मिल गया है कि अगर मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। लेखिका हमें यह बता रही है कि अब मैं बहुत बुज़ुर्ग हो गई हूँ तो अब मैं अपने सिर पर टोपियाँ लगाना बहुत अधिक पसंद करती हूँ और अब मैंने अपने लिए बहुत सारे रंगों की टोपियाँ इकट्ठी कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती है, अब मेरी उम्र बहुत अधिक हो गई है इसलिए मुझे दुपट्टे ओढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए मुझे टोपियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि वह बहुत ही सहज यानी आसानी से पहनी जाने वाली, सहल यानी सुविधाजनक, सुभीते यानी आरामदायक है और वह हिमाचली टोपियाँ लेखिका को बहुत अधिक पसंद है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ बचपन संस्मरण का पार्ट 2 पढ़ा। बच्चों, आज का अगला पार्ट कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में द स्क्विरल भाग 2। तो बच्चों, हम पोएम पढ़ चुके थे द स्क्विरल। स्क्विरल के बारे में हमने पढ़ा था। बच्चों, हमने ये जाना था कि जब आप स्क्विरल के पीछे पीछे दौड़ते हैं तो स्क्विरल क्या करता है, इधर से उधर दौड़ता रहता है। ठीक है, हमने जाना था। और हमने बच्चों ये भी जाना था कि उसकी जो टेल होती है वो किस तरीके से होती है, क्वेश्चन मार्क की तरह। और क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ किया जाता है? वेरी गुड, जब भी हमें प्रश्न पूछा जाता है यानी WH वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके पीछे हमेशा क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और क्वेश्चन मार्क क्या है? पंक्चुएशन मार्क होता है। ओके, तो आज बच्चों हम उसी पोएम के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो आप फटाफट अपनी कॉपी पेन निकालिए और लिखना शुरू किए। ठीक है, तो वर्किंग विद पोएम। और जैसा कि आपको मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ बच्चों कि हमारी जो पोएम थी द स्क्विरल, उसके राइटर कौन है बच्चों? मिल्ड्रेड आर्मस्ट्रांग। ठीक है, कौन है? मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रांग। क्लियर, चलते हैं बच्चों हमारी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई डज द पोएट से द स्क्विरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। कि इस पोएम में राइटर ने ऐसा क्यों कहा है, यानी राइटर ऐसा क्यों कहते हैं कि जो स्क्विरल है, ठीक है, उसने क्या पहनी हुई है? वोर यानी पहनना। ठीक है बच्चों, ये सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी वियर। ओके, वियर वोर। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉर्न। तो आपको लिख लेंगे, यानी वियर तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, वॉर आपकी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और वॉर्न हो जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, वियर यानी पहनना। तो पोएट ने यू क्यों कहा है बच्चों? पोएट ने क्या कहा है इसमें? पोएट ने बताया कि स्क्विरल ने क्या पहना है, अपनी पूंछ में क्या पहना है, क्वेश्चन मार्क पहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यानी इस पोएम में जो है किसकी पूंछ के बारे में बात हो रही है? यस, किसके टेल के बारे में बात हो रही है? स्क्विरल के टेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें बताया गया उसके स्ट्रक्चर को कि इसकी जो टेल है वो कैसी है, क्वेश्चन मार्क की तरह है। ठीक है, ड्रॉ अ स्क्विरल। अब आपको क्या करना है बच्चों? ड्रॉ अ स्क्विरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। आपको क्या करना है? आपको एक पिक्चर बनानी है। अगर आप ड्राइंग करते हैं, आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो आपको क्या करनी है? एक स्क्विरल की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, या फिर आपको क्या करना है? उसकी एक पिक्चर ढूंढनी है। ठीक है, कैसे? यानी ग्राउंड पे बैठे हुए। ओके, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। ठीक है, और आप इसके जो पूंछ है उसको किस तरीके से उसका विवरण बताएंगे, उसका वर्णन करेंगे। ओके, चलते हैं आगे आंसर की तरफ। देखिए बच्चों, आंसर द पोइट सेड दैट द स्क्विरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल। पोइट ने ऐसा क्यों कहा है बच्चों? जानते हैं, बिकॉज, क्योंकि इट्स टेल इज ट्विस्टेड अपियरिंग लाइक ए क्वेश्चन मार्क। यानी उसकी जो पूंछ है वो इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है कि वो किस तरीके से प्रतीत होती है,
ऐसा लगता है कि जैसे वो क्या हो, एक क्वेश्चन मार्क हो। देखिए बच्चों, इसमें देखिए इसकी जो टेल है वो कैसे लग रही है, जस्ट लाइक ए क्वेश्चन मार्क। ओके, लग रही है ना, ये है स्क्वायरल और ये इसकी है टेल। ओके, इसलिए ऐसा कहा है कि उसकी जो पूंछ है वो इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है, ऐसा प्रतीत होता है हमें कि उसने अपनी पूंछ में क्या पहना हुआ है, क्वेश्चन मार्क पहना हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चों, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, व्हाट डू वी से, कि हमने मतलब हम ऐसा कहते हैं क्या कि एक एनिमल ने क्या पहनी हुई है, एक टेल पहनी हुई है, कहने मतलब उसकी पूंछ क्या है, देखो है ना। डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वियर्स अ टेल, हम ऐसा कहते हैं कि उसने क्या पहनी हुई, पूंछ पहनी हुई, कहने मतलब उसकी पूंछ है। व्हाट डू वी से, तो हम क्या कहते हैं, थिंक डज एन एनिमल वियर अ कोट, सोचना है आपको कि क्या एक एनिमल जो है वो कोट पहनता है ना। कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज इन डिफरेंट वेज, तो आपको डिक्शनरी से कंसल्ट करना है कि वियर जो वर्ड है उसको किस तरीके से अलग अलग तरीकों से यूज किया गया है। तो आंसर देखते हैं, वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज अ सेट ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन सेइंग वियर, हम क्या करते हैं बच्चों, हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि उसने पूंछ पहनी हुई है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि क्या हम यूजुअली ऐसा कहते हैं कि एक जानवर ने टेल पहनी हुई है, कहने का मतलब है हम ये बताते हैं कि उसकी विशेषताओं में आती है, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायरल की विशेषता बताई गई है, स्क्वायरल की क्या विशेषता है कि उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है ना, जो वो बैठती है, तो कैसे होती है, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन मार्क, समझ गए, एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वियर की जगह क्या यूज करते हैं, हम उसकी विशेषताओं के बारे में यूज करते हैं, ठीक है। द पॉइंट हाउएवर यूजेस द वर्ड वियर टू इंडिकेट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्क्वायरल, तो यहाँ पे जो कवि है बच्चों, उन्होंने वियर शब्द का यूज इसलिए किया है क्योंकि उसकी जितनी भी बाहरी जो भी विशेषताएं हैं, ठीक है, स्क्वायरल के बारे में है ना, स्क्वायरल की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी स्पेशलिटीज है ना, उसके बारे में बताने के लिए कवि ने यहाँ पे किस शब्द का यूज किया है, वियर का यूज किया है। ओके, चलते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, यानी उसको खेलना और चिढ़ाना बहुत पसंद है। तो जैसे कि बच्चों हम पोएम में पढ़ चुके थे, ही वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, स्क्वायरल के लिए यूज किया गया था, हु इज टीजिंग हुम, कि यहाँ पे कौन किसको चिढ़ा रहा है। आंसर चलता है, देखो द पोइट लाइक टू टीज एंड प्ले विद द स्क्वायरल, तो पोइट क्या बता रहे हैं कि पोइट को बहुत ज्यादा पसंद है क्या, स्क्वायरल को टीज करना और उसके साथ खेलना, यानी उसको चिढ़ाना और उसके साथ खेलना। व्हेनेवर द पोइट वेंट अ लिटिल क्लोज टू द स्क्वायरल, जब भी जो कवि है वो थोड़ा सा भी स्क्वायरल के पास जाते हैं, द स्क्वायरल वुड रन अवे इन द अदर डायरेक्शन, तो स्क्वायरल क्या करते हैं, स्क्वायरल करते हैं कि वो दौड़ के दूसरी तरफ भाग जाता है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हमने भी देखा कि जो स्क्वायरल है, ठीक है, अगर आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, इधर उधर दौड़ने लग जाता है, यानी वो बहुत ही फुर्तीला जानवर होता है, ठीक है। तो पोइट ने क्या बताया यहाँ पे कि उसको चिढ़ाना और उसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी, तो आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेना है, जितने भी वर्ड मीनिंग्स मिली आपको वो सारी अच्छे से समझ के कर लेनी है आपको, क्लियर बच्चों। आज का अगला पार्ट कक्षा 8 में गणित विषय में परिमेय संख्याएं भाग 3, हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया था अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इन गुणधर्मों में हमने पढ़ लिया था संवृत गुणधर्म, क्रम विनिमयता एवं साहचर्यता। आज हम इसके आगे के गुणधर्म पढ़ेंगे। अब हम शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं का गुणधर्म नंबर 4, जिसमें क्या है, योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। कैसे समझिए, योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता क्या होता है, ये समझते हैं हम। योग पर गुणन की वितरकता ये दिया है, बी प्लस सी योग, इस पर गुणन की वितरकता, किसका गुणा करना है, ए का। वितरकता मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो ए का गुणा वितरित करना है। कैसे, ए का गुणा कर दो बी के साथ प्लस ए का गुणा कर दो सी के साथ, तो क्या आ जाएगा, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। इसी प्रकार व्यवकलन पर भी गुणन की वितरकता, बी माइनस सी व्यवकलन दिया है, व्यवकलन पर क्या करना है,
एक की गुणन की वितरकता, कैसे एक का गुणा कर दिया बी के साथ, माइनस का चिन्ह है यहाँ तो यहाँ माइनस, फिर एक का गुणा कर दिया सी के साथ। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल लिया, ए की जगह ले लिया 2/5, बी की जगह ले लिया 1/10 और सी की जगह ले लिया 3/10। इसका LHS वाला पोर्शन हल करते हैं। क्या है LHS में? ए बी प्लस सी, ठीक है। मान रखिए ए की जगह 2/5, बी की जगह 1/10 प्लस सी की जगह 3/10। हल करिए 2/5, LCM लिया 10 है दोनों के हर में तो LCM आ जाएगा 10। 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 1 प्लस 10 में 10 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 3 क्या प्राप्त हुआ 3। 2/5, 3 प्लस 1 क्या आया 4/10। हल करिए क्या आ जाएगा, अंश का गुणा अंश में 2 × 4 हो गया 8, 5 × 10 = 50। कट रहा है, यस, 2 के पहाड़े से 2 × 8 और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और उत्तर क्या प्राप्त हो गया 4/25। ये उत्तर प्राप्त हुआ है LHS को हल करने पर। अब हम किसे हल करेंगे, RHS को। देखिए RHS क्या है, ए बी प्लस ए सी। मान रख दीजिए ए की जगह 2/5, बी की जगह 1/10 प्लस ए की जगह 2/5 और सी की जगह क्या आ जाएगा 3/10। हल करिए 2 का गुणा 1 में 2, 5 का गुणा 10 में 50 प्लस 2 का गुणा 3 में 6, 5 का गुणा 10 में 50। पुनः LCM लिया आया 50, 50 में 50 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 2 कितना होगा 2 प्लस 50 में 50 का भाग लगाया 1, 1 गुणा 6 क्या मिला 6, 6 प्लस 2 क्या होता है 8, आया 8/50। कट रहा है बिल्कुल 2 के पहाड़े से, 2 × 8 और इसको काटेंगे तो क्या आएगा 25, तो उत्तर प्राप्त हो गया 4/25। और LHS को हल करने पर भी क्या प्राप्त हुआ था 4/25, तो क्या प्राप्त हो गया LHS बराबर RHS। तो हम क्या कह सकते हैं, योग पर गुणन की वितरकता को कैसे हल कर सकते हैं, A का गुणा B से प्लस A का गुणा C से। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट गुणधर्म पढ़ते हैं जो कि है योज्य तत्समक। क्या होता है योज्य तत्समक, तो हम समझते हैं हमको पता है 7 क्या है, एक परिमेय संख्या ही है ना, तो 7 में हम क्या जोड़ें कि हमें वापस यही संख्या प्राप्त हो जाए, वापस हमें 7 ही प्राप्त हो जाए, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ सकते हैं, ये तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो 7 में हम 0 जोड़ेंगे तभी तो हमें वापस यही संख्या प्राप्त होगी, ये जोड़ा 0 तो वापस हमें 7 प्राप्त हो गया। तो 0 क्या हुआ, योज्य तत्समक। इसे आप परिमेय संख्या के उदाहरण से समझ लीजिए, ये लिया हमने 2/3 कोई परिमेय संख्या ली, इसमें अब क्या जोड़ेंगे कि हमें वापस से क्या प्राप्त हो जाए 2/3, तो वो संख्या क्या हो सकती है 0। तो शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक। शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक। a प्लस 0 बराबर क्या मिलता है a, जहाँ a कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक तत्समक, ये क्या होता है। तो गुणात्मक तत्समक ऐसा अवयव है जो किसी भी दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर हमें वापस वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। कैसे, देखिए ये कोई परिमेय संख्या दी है 7/5, इसमें मैं क्या गुणा करूँ कि मेरे को वापस क्या मिल जाए 7/5। तो ये भी क्लियर है, ये एक ही संख्या हो सकती है और वो है 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वापस हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या गुणा किया यहाँ 1, तो 1 को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक। क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक, ठीक, क्लियर।
क्या लिखा है, ए गुणा एक बराबर ए, जहाँ ए कोई भी परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो किसी भी दिए गए भिन्न में या दी गई परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए। अभी हमने पढ़ा योगात्मक तत्समक क्या होता है, ज़ीरो। तो दी गई कोई भी परिमेय संख्या है 7/5 मान लीजिए, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मुझे योगात्मक तत्समक मतलब ज़ीरो प्राप्त हो जाए, तो क्या होगा, इसका विपरीत चिन्ह का भिन्न इसमें जोड़ दूँ। ये +7/5 है, इसमें अगर मैं जोड़ दूँ -7/5 तो क्या मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा। तो जो इसका ये विपरीत चिन्ह का भिन्न है वही इसका क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, तो कोई परिमेय संख्या दिए 2/3 तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा क्या, -2/3। यदि दिए -2/3 कोई भिन्न तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +2/3। समझ में आया? ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो किसी भी दिए गए परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऐसा अवयव जिसके साथ उसका गुणा करने पर हमें प्राप्त हो गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक अभी हमने पढ़ा क्या होता है, एक। कैसे, देखिए मान लीजिए ये कोई दी गई परिमेय संख्या है a/b, इसके अंदर मैं क्या गुणा करूं कि प्राप्त हो जाए गुणात्मक तत्समक मतलब एक, तो क्या हो सकता है, सोचिए इसका ही उल्टा। कैसे, यहाँ मैंने b/b/a का गुणा कर दिया तो क्या होगा, b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है, याद रखेंगे किसी भी दिए गए परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यही अगर माइनस में दी गई हो तो -2/5 तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/-2, 5/-2। चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्यों, अब इसका गुणा करोगे तभी 5 से 5 कटेगा और -2 से -2 कटेगा और उत्तर क्या मिलेगा, एक। समझ में आया? तो ये जो c/d है योज्य गुणात्मक प्रतिलोम, वो क्या होगा, इस दिए गए भिन्न का उल्टा, b/a, a/b दिया है तो b/a। उम्मीद करती हूँ आज जो हमने पढ़ा परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। बच्चों आज का अगला पाठ कक्षा 8 में गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय पहला परिमेय संख्याएं। पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, जिनमें हमने पढ़ा संवृत, क्रम विनिमयता, साचर्यता, वितरकता, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। तो शुरू करते हैं पहला उदाहरण, उदाहरण एक, जिसमें दिया गया है ज्ञात कीजिए 3/7 -6/11 -8/21 5/22। इन 1, 2, 3, 4 चार परिमेय संख्याएं दी गई है जिन्हें हमें जोड़ना है। तो एक तरीका तो होगा आप इनके हरों का एलसीएम लें और फिर गणना करें, इस तरीके से बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। कौन कौन से गुणधर्म पढ़े हैं हमने परिमेय संख्याओं के, हमने पढ़ा है संवृत गुणधर्म, साचर्यता, क्रम विनिमयता एवं वितरकता। तो आइए कैसे करते हैं देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याओं में योग क्या होता है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। तो देखिए यहाँ पर 3/7 इसके हर में है 7 और -8/21 इसके हर में है 21। 7 के पहाड़े में 21 आता है इसलिए इन दोनों को पास में ले सकते हैं, क्रम विनिमयता का पालन होता है। देखिए 3/7 प्लस इसके पास में क्या लिख दिया, -8/21। क्लियर यहाँ तक। दूसरा अब देखिए -6/11
इसके पास में रख दिया, 5/22। क्लियर है यहाँ तक? अब हम परिमेय संख्याओं के लिए ये भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या करती है, साहचर्यता का पालन करती है। मतलब पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा ये किस गुणधर्म का यूज़ किया है, क्रम विनिमयता व साहचर्यता, क्रम विनिमयता व साहचर्यता से। ठीक है, अब लीजिए 7 और 21 का लघुतम क्या आ जाएगा, 21। 21 में 7 का भाग लगाया, क्या प्राप्त हुआ, 3। 3 × 3 प्राप्त हुआ 9। प्लस 21 में 21 का भाग लगाया, क्या प्राप्त हुआ, 1। 1 × −8 मिला −8। प्लस इधर देखिए 11 और 22, लघुतम आया 22। 22 में 11 का भाग लगाया, क्या प्राप्त हुआ, 2। 2 × −6 क्या प्राप्त होगा, −12। प्लस 22 में 22 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 × 5 प्राप्त हुआ 5। हल करिए इसे, 9 में से हम 8 गए, क्या बच गया, 1। तो प्राप्त हुआ यहाँ 1/21 प्लस −12 + 5। घटाना पड़ेगा और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 12 5 से बड़ा है और 12 का चिन्ह ऋणात्मक है। तो 12 में से 5 गए तो प्राप्त हुए 7, पर चिन्ह होगा −7। −7/22। इन दोनों को अब जोड़ना है, यहाँ 21 है यहाँ 22 है, लघुतम लिया तो क्या आया, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, अभी सिर्फ लिख देंगे 21 × 22। गुणा करके लिखना चाहो तो गुणा करके लिखिए। अब 21 × 22 में भाग लगेगा 21 का, तो क्या बचेगा, 22 बचेगा। 22 × 1 तो क्या मिला, 22। प्लस 21 × 22 में भाग लगेगा 22 का, क्या बच गया, 21। 21 × 7 क्या प्राप्त हुआ, 21 × 7। 7 × 7 = 14 प्राप्त हुआ −147। ये माइनस का चिन्ह है ना, तो क्या मिल गया, −147। अब इसका चिन्ह धनात्मक, इसका चिन्ह ऋणात्मक, करना क्या होगा, घटाना होगा और चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि −147 बड़ा है +22 से। घटाइए, 147 में से 22 घटाए, 7 में से 2 गए बचे 5, 4 में से 2 गए बचे 2, और क्या बच गया, 1। पर उत्तर का है किस का, कौन से चिन्ह का आएगा, माइनस का। तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ हमें, इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ, −125/21 × 22। करिए क्या होता है, 22 × 21, 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। हल करिए, 2 में 0 जोड़ा 2, 4 और 2 = 6 और ये 4, 462 −125/462, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। क्लियर, उदाहरण 1 पूरा क्लियर हुआ, तो हम अब शुरू करेंगे उदाहरण 2। दूसरे उदाहरण में क्या दिया गया है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, −4/5 × 3/7 × 15/16 × −14/9 गुणा करना है। तो गुणे के लिए भी अपन ने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े हैं, गुणे में भी क्या होता है, क्रम विनिमयता का पालन होता है। तो देखिए गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसे कैसे आसानी से हल किया जा सकता है।
अब ऐसी संख्याओं को पास में रखिए जिसमें कुछ आपस में कटता हो। कैसे? देखिए, यहाँ पर बटे में है 5, तो इसमें अंश में है 15, ये कट जाएगा 5 से 15। सेम इसी तरह यहाँ बटे में है 7 और इसमें अंश में है 14, जो 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 × 14। देखिए, -4/5, इसके पास में क्या ले आएंगे अपन, 15/16। इनको ब्रैकेट में रख सकते हैं क्योंकि गुणन में भी साहचर्यता का पालन होता है। और क्या बचा इधर, 3/7 गुणा -14/9। क्लियर? काटिए, अब क्या कट रहा है, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 4 × 4, 4 × 4 = 16। ठीक है, इधर देखिए, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 3 × 3, 3 × 3 = 9। क्या बच गया, -3/4 मल्टीप्लाई बाय, क्या बचा ऊपर, 1 × 2, 2, चिन्ह है यहाँ भी माइनस, और बटा कितना लिखा है ये, 3। फिर कुछ कट रहा है, देखिए, 3 से 3 और 2 से काटा, 2 × 2, 2 × 4, तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ, -1/2। माइनस भी नहीं होगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। समझ में आया? अब चलते हैं तीसरे उदाहरण पे। तीसरा उदाहरण तो आप ओरली कर लेंगे। कैसे, क्या लिखा है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात करिए। हम पढ़ चुके हैं योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दी गई परिमेय संख्या के विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या ही उसका क्या होती है, योज्य प्रतिलोम। क्यों होती है, क्योंकि उन दोनों को आपस में जोड़ने पर हमें योज्य तत्समक प्राप्त होता है, और योज्य तत्समक क्या होता है, 0। कैसे, देखिए, ए में क्या जोड़े, माइनस है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0, योज्य तत्समक। तो माइनस ए क्या कहलाएगी, इस ए का योज्य प्रतिलोम। तो बताइए, -7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट उत्तर आएगा +7/19। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। कैसे, -7/19 + 7/19 आपस में कट जाएंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा 0। तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं, इसका योज्य प्रतिलोम होगा 7/19। इसी प्रकार ये बताइए, 21/112, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -21/112। ये तो सबको समझ में आया होगा, क्लियर। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 4 क्या है, देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए -(-x) और x समान है। पहला दिया है x = 13/17। कैसे करेंगे, देखिए, x दिया है 13/17, इसके लिए -x क्या होता है, योज्य प्रतिलोम। अभी देखा क्या होता है -x या योज्य प्रतिलोम, इसके विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या। देखिए, -13/17, ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि 13/17 क्योंकि 13/17 प्लस -13/17 बराबर प्राप्त होता है योज्य तत्समक 0। अब इस समीकरण से उपरोक्त समीकरण से हम क्या देखते हैं कि -13/17 का योज्य प्रतिलोम क्या है, 13/17। -13/17 का योज्य प्रतिलोम, तो इसको ऐसे लिखेंगे, -x ही लिखते हैं योज्य प्रतिलोम को, तो -13/17 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -13/17 बराबर क्या है, 13/17।
बराबर क्या है 13/17। अब देखो हमने क्या माना था, x बराबर 13/17 माना था, तो ये क्या हो जाएगा, मान रख दो माइनस माइनस, इस 13/17 की जगह क्या रखेंगे, x बराबर क्या मिल गया 13/17 x, तो मिल गया माइनस ऑफ माइनस x बराबर क्या होता है x। समझ में आया, यहाँ आप लिखना चाहो तो लिख सकते, इसको समीकरण दे दो एक, समीकरण एक से, क्लियर हुआ। अभी भी ये नहीं समझ में आया तो ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन भी है, उससे समझते हैं। x बराबर यहाँ दिया है माइनस 21/31, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम को किससे प्रदर्शित करते हैं, माइनस x से, तो इसके लिए माइनस x क्या होगा, ये होगा 21/31। क्यों होगा 21/31, इसके विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या, तो माइनस 21/31 का विपरीत चिन्ह की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, प्लस 21/31, ये लिख दिया प्लस 21/31, इसको भी समीकरण नंबर दे दो एक। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, योज्य तत्समक 0। देखिए माइनस 21/31 प्लस 21/31 बराबर क्या होता है 0। अब इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, 21/31 का योज्य प्रतिलोम है माइनस 21/31। देखिए 21/31 का योज्य प्रतिलोम मतलब माइनस ऑफ क्या 21/31 बराबर है किसके, माइनस 21/31 के। यहाँ तक समझ में आया, अब देखिए समीकरण एक से क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण एक से माइनस 21/31 को क्या है, ये समीकरण नंबर दो भी दे दो, यहाँ लिख दें समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, देखिए दो से क्या 21/31 को लिख सकते हैं माइनस एक्स, तो ये क्या लिख देंगे 21/31 को माइनस एक्स, माइनस एक्स बराबर माइनस 21/31 किसके बराबर है एक्स के, एक्स के, तो जो हमको प्रूव करना था वो मिल गया, माइनस ऑफ माइनस एक्स बराबर है एक्स के। क्लियर हुआ यहाँ तक, सबको समझ में आया। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 6 में हिंदी विषय में वसंत एक बुक से 55 भाग 2, कक्षा 7 में अंग्रेजी विषय में द स्क्विरल भाग 2 व कक्षा 8 में गणित विषय में परिमेय संख्याएं भाग 3 व प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में विज्ञान विषय में भोजन के घटक अध्याय से संतुलित भोजन भाग 4, कक्षा 7 में विज्ञान विषय में पादपों में पोषण व कक्षा 8 में हिंदी विषय में ध्वनि भाग 3 व 4। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का एड्रेस है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 31-30-01।